नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दूसरों को ये चीजें कभी मत देना, पूरा परिवार हो जाता है भिखारी। कौन सी चीजें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, दान करना यूं तो बहुत पुण्य का काम है, सभी धर्मों में दान को महत्वपूर्ण माना गया है और इसकी महिमा भी बताई गई है। लेकिन दान करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या दान कर रहे हैं और उसका आप पर क्या असर हो सकता है। अक्सर अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें दान कर देते हैं जो हमारा ही नुकसान करती है और हमारे जीवन पर बुरा असर भी डालती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें दान करने से आपको फायदे की जगह नुकसान होगा और जिन्हें आपको कभी भी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात है पहने हुए कपड़े। दोस्तों, पुराने कपड़े कभी भी किसी पंडित को दान नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कपड़ों को किसी गरीब को दे रहे हैं तो ये उचित है, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को पुराने कपड़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है झाड़ू। किसी व्यक्ति को कभी भी झाड़ू दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है, इसलिए झाड़ू कभी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात है प्लास्टिक की वस्तुएं। घरेलू उपयोग के लिए अगर आप प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कभी भी प्लास्टिक की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। इससे व्यापार और करियर में आपका नुकसान होता है। दोस्तों, चौथी बात है स्टील के बर्तन। ऐसा कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी कभी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति खत्म होती है और बेवजह झगड़े और क्लेश बढ़ जाते हैं। दोस्तों, पांचवी बात है खराब खाना। किसी भी व्यक्ति को खाना दान करना, उसकी भूख मिटाना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है, लेकिन अगर आप किसी इंसान को खराब खाना दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। दोस्तों, याद रखिए, जिस खाने को आप खुद नहीं खा सकते उसे किसी अन्य को भी नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, छठी बात है नुकीली चीजें। कभी किसी व्यक्ति को नुकीली चीजें दान नहीं करना चाहिए। इससे घर में लोगों के बीच तनाव उत्पन्न होता है और परिवार में सुख शांति का अभाव हो जाता है। दोस्तों, सातवीं बात है उपयोग में लाया गया तेल। अक्सर आपने लोगों को तेल दान करते हुए देखा होगा। तेल दान करना वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन खराब या फिर इस्तेमाल किया हुआ तेल कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आठवीं बात है फटी कॉपी किताबें। पढ़ाई से जुड़ी चीजें दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी को फटी पुरानी किताबें देते हैं तो इससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें और दान करते समय इनमें से किसी भी चीज का दान ना करें। दान बहुत श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन दान का उचित फल आपको तभी मिलेगा जब आप सही चीजों का दान करेंगे, अन्यथा दान का प्रभाव विपरीत भी हो सकता है। दान अवश्य करें, लेकिन किसी भी ऐसी वस्तु का दान ना करें जो आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सके। तो दोस्तों, ये थे दान से संबंधित शास्त्रों में दिए हुए कुछ अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए, साझा किए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के और चारक नीति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।